इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। चलिए हम एक खेल खेलते हैं। मैंने दो अंकों की संख्या के बारे में सोचा है और आपको मुझे बताना होगा कि मैंने क्या सोचा है। वैसे तो बहुत सारे दो अंकों की संख्याएं हैं, यहां 90 दो अंकों की संख्याएं हैं, जिसमें से मैंने एक के बारे में सोचा है, तो आप कैसे उस एक संख्या का अनुमान लगाएंगे? 90 संख्याओं के बीच एक संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। आइए मैं आपको एक और संकेत से मदद करती हूँ। संकेत है अंकों का योग 9 है, अतः सभी दो अंकों की संख्याओं का योग नीचे दिया गया है। आइए अब हम उन संख्याओं का पता लगाएं जिनका योग 9 है। लेकिन यह एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एक संख्या जानने के लिए हमें वह सभी दो अंकों की संख्या लेनी होगी जिसका योग 9 है। इसलिए दिए गए संकेत का उपयोग करके हम प्रश्न को समीकरण में परिवर्तित करके सरल बना सकते हैं। हमें संकेत दिया गया है कि दो अंकों का योग 9 है। अब क्योंकि यह दो अंकों की संख्या है, इसलिए 10वें स्थान पर है x और इकाई स्थान पर y है, इसलिए संख्या xy होगी। ध्यान दें, यहाँ xy बराबर नहीं है x इंटू y के, जैसे 18 बराबर नहीं होता है 1 इंटू 8 के, और 18 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, अर्थात xy है x इंटू 10 प्लस y इंटू 1 बराबर 10x प्लस y। यहाँ दो अंकों का योग 9 है, अर्थात दो अंकों की संख्या के लिए अंकों का योग बराबर 9 है, जिसे हम लिखेंगे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक बराबर 9, इसलिए x प्लस y बराबर 9 होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ x और y दो चर है जिसका घात 1 है, इसलिए x प्लस y बराबर 9 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें।